Hello everyone. First of all, good morning to everybody. It is me, Adesh Sharma, from Spoken English Channel Jalalabad. नए lecture के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है. Dear student, dear guys, dear friends, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ा ही अच्छा structure English में बहुत ही अच्छे-अच्छे structure sentences जिनका हम daily use में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और जिनके प्रयोग में अधिकतर student गलती करते हैं. आज मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंस ऑफ इज टू हैज टू, डिफरेंस ऑफ हैव टू और आर टू, डिफरेंस ऑफ वाज टू वर टू एंड हैड टू. इसमें अधिकतर स्टूडेंट अधिकतर गाय कंफ्यूज रहते हैं कि ना है का प्रयोग कहां करते हैं, पढ़ता है का प्रयोग कहां करते हैं. आज हम आपके सभी डाउट क्लियर करने वाले हैं. आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है. चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को शेयर अवश्य करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके. क्योंकि मैं आज आपको बड़ा ही अच्छा स्ट्रक्चरल इंग्लिश बताने वाला हूं हमारे चैनल पर. डियर गाइस, हमारे चैनल पर आप डीप ग्रामर, ग्रामर स्पोकन, ग्रुप डिस्कशन, कन्वर्सेशन स्किल, लिटरेचर सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं. आपको केवल चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है. यदि घर बैठे अच्छे के लिए सीखनी है तो आपको हमारा चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो. जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अच्छे के लिए सीखने के लिए केवल 12 पार्ट ऑफ 10 से काम नहीं चलेगा. आपको स्ट्रक्चरल इंग्लिश भी सीखना पड़ेगा, आपको वोकैबुलरी भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो और आपको अपने अंदर एक विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं. यानी कि क्रिएटिंग द एटमॉस्फेयर इज आल्सो एसेंशियल पार्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश. तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू यूज ऑफ, वेरी एक्सीलेंट यूज ऑफ इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको बताने वाला हूं इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू. सबसे पहले इज टू, जब किसी सेंटेंस में ना है, नी है, ने है आदि शब्द आते हैं तो इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग करते हैं. जबकि सेंटेंस में ना था, नी थी, ने थे आदि शब्द आते हैं तो वाज टू, वर टू का प्रयोग करते हैं. सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर नंबर के साथ इज टू का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस में, प्लूरल नंबर के साथ आर टू का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस में, आई के साथ एम टू का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस में. अब पास्ट की बात कर लेते हैं. पास्ट टेंस में ना था, नी थी, सिंगुलर नंबर के साथ वाज टू का प्रयोग करेंगे, प्लूरल नंबर के साथ वर टू का प्रयोग करेंगे. पहले हमारा फोकस है इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू. इसके बाद हम बात करेंगे हैज टू, हैव टू, हैड टू और इन दोनों का डिफरेंस जानेंगे क्योंकि इनमें अधिकतर स्टूडेंट अधिकतर गाय गलती करते हैं. पहले देखते हैं इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू. जिस तरह सेंटेंस है मुझे कॉलेज जाना है, आई एम टू गो टू कॉलेज, वेरी सिंपल. सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अनुसार इज टू, एम टू, आर टू से एक का सिलेक्शन कर लीजिए, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आई एम टू गो टू कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना है, आई एम टू गो टू कॉलेज. सपोज करो सोहन को अंग्रेजी पढ़नी है, सोहन इज टू स्टडी इंग्लिश. सपोज करो सेंटेंस है हमें क्रिकेट खेलना है, वी आर टू प्ले क्रिकेट. इस तरह से सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट प्लस इज टू, एम टू, आर टू में से एक ठोक दीजिए, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इस तरह से जो जाने वाला वाक्य है मुझे कॉलेज जाना है उसमें टू का प्रयोग दो बार होगा क्योंकि सब्जेक्ट जब गति में होता है एक स्थान दूसरे स्थान पर जाता है तो ऑब्जेक्ट से पहले भी टू लगता है और हम प्रयोग कर रहे हैं इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू. एक टू इसमें ऑलरेडी है प्रयोग में तो दूसरा टू जो है ऑब्जेक्ट से पहले लगेगा जाने वाले वाक्य में क्योंकि जाने वाले सेंटेंस में जब सब्जेक्ट गति में होता है कहीं चलकर जाता है तो ऑब्जेक्ट से पहले टू लगता है. आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा हुआ है, ये पॉइंट जो है आप देख लेते हैं. दूसरा सेंटेंस, पायल को शादी में जाना है, पायल इज टू अटेंड द मैरिज पार्टी, बिकॉज पायल इज ए सिंगुलर नंबर इसलिए इज टू का प्रयोग करेंगे. इसी तरह से हमें पढ़ना है, वी आर टू स्टडी, इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हमें पढ़ना है, स्टडी पर सेंटेंस फिनिश हो रहा है. अगर होता सेंटेंस हमें अंग्रेजी पढ़ना है, We are to study English, तो English ऑब्जेक्ट हो जाता. अब देखते हैं, उसे आज पुणे जाना था, अब था तो आ गए हैं,
जाना था, खाना था, पीना था, सिंगल नंबर साथ वाज ठोक दीजिए, प्रो नंबर साथ वाज ठोक दीजिए, इस तरह से। उसे पुणे जाना था, ही वॉज टू गो टू पुणे। इस बात में भी कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं, उसमें कंफ्यूज रहते हैं, ही लगाए या सी लगाए, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। यहाँ लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, यहाँ सी का प्रयोग कर सकते हैं, ही का प्रयोग कर सकते हैं। ही वॉज टू गो टू पुणे और सी वॉज टू गो टू पुणे, दोनों ठीक है। इस तरह से हमें क्रिकेट खेलना था, वी वर टू प्ले क्रिकेट, वी वर टू प्ले क्रिकेट, प्रो नंबर के साथ वर टू लगाइए। इस तरह से उन्हें आज यहाँ आना था, दे वर टू कम हियर टुडे, दे वर टू कम हियर टुडे। तो डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया है इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू। जब सेंटेंस में जाना है, खाना है, पीना है, प्रेजेंट में बात करते हैं तो बात करते हैं इज टू, एम टू, आर टू, सब्जेक्ट के अनुसार। जब सेंटेंस में आता है जाना था, खाना था, पीना था, तो बात करते हैं पास्ट टेंस में, तो आता है वाज टू, वर टू। अब बात करते हैं पढ़ता है, पढ़ता है किस सेंस में, उसे स्कूल जाना पड़ता है, ही हैज टू गो टू स्कूल। जब सिंगुलर नंबर की बात करेंगे, पढ़ता है की बात करेंगे, तो हैज टू का प्रयोग करेंगे सिंगुलर नंबर का। हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, वी हैव टू लर्न इंग्लिश, प्रो नंबर के साथ बात करेंगे हैव टू। और जब पढ़ता था या पढ़ा था आया है तो सभी के साथ हैड टू का प्रयोग करेंगे। वेरी सिंपल, लेकिन बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर, बड़ी अच्छी वीडियो रहने वाली आज की। इसलिए आपको वीडियो को शुरू से आकर तक देखना है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने बोलें, और घर बैठे एक्सीलेंट इंग्लिश सीखें। देख लेते हैं, उसे कॉलेज जाना पड़ता है, पढ़ता है कंपल्सन, कंपल्सन के लिए हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग करते हैं। मैं आपको डिफरेंस बताने वाला था इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू का प्रयोग कंपल्सन नहीं करते हैं, लेकिन हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग कंपल्सन के लिए करते हैं। ये अंतर है, ये अंतर है, मेन अंतर। इसी तरह से उसे कपड़े धोने पड़े, पड़े यानी कि मजबूरी, कंपल्सन, सी हैड टू वॉश द क्लोथ, सी हैड टू वॉश द क्लोथ। इसी तरह से मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ता था, आई हैड टू कॉल द डॉक्टर, आई हैड टू कॉल द डॉक्टर। जब पढ़ता था की बात करेंगे तो सभी सब्जेक्ट के साथ आंखें बंद करके हैड टू लगा दीजिए, उसमें कोई कुछ नहीं देखना है, उसमें सभी के साथ हैड टू आएगा। लेकिन जब पढ़ता है की बात करेंगे तो सिंगल नंबर के साथ हैज टू आएगा, प्रो नंबर के साथ हैव टू आएगा। देखते हैं अगला सेंटेंस, हमें प्रतिदिन ट्यूशन जाना पड़ता है, वी हैव टू गो टू ट्यूशन डेली, वी हैव टू गो टू ट्यूशन डेली। इसी तरह से लड़कों को क्रिकेट खेलना पड़ता है, द बॉयज हैव टू प्ले क्रिकेट, द बॉयज हैव टू प्ले क्रिकेट। डियर स्टूडेंट, डियर गाइज, मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं अपने चैनल पर आपको इंटरमीडिएट इंग्लिश और हाई स्कूल इंग्लिश और बी ए लिटरेचर बताने वाला हूँ। इन सभी की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बोले। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव ए वेरी नाइस डे।